जयपुर में कांग्रेस को बीती रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। दिल्ली से जयपुर भेजे गए थे कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और राज्य कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 109 विधायकों के समर्थन पत्र का दावा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सचिन पायलट अभी दिल्ली में ही हैं और वो जयपुर नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए व्हिप जारी किया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, जो बैठक में नहीं आएगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार बचाने के लिए तमाम कोशिशें जारी। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में दावा किया कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। सचिन पायलट ने कांग्रेस के 30 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया। दिल्ली में मौजूद रहने के बावजूद सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान से मिलने नहीं गए। राहुल गांधी के दफ्तर ने सचिन पायलट से फोन पर बातचीत का दावा किया है। मामला जल्द सुलझा लेने की उम्मीद जताई। सचिन पायलट समर्थकों ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में असली झगड़ा अध्यक्ष पद को लेकर है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं ताकि पार्टी की कमान किसी चहेते को दे सके। डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच लगातार खटपट जारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर सचिन पायलट से हमदर्दी जताई और अशोक गहलोत पर निशाना साधा। सिंधिया ने लिखा कि मेरे पुराने सहयोगी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दरकिनार कर सता रहे हैं। कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता पर भरोसा कम है। चीन के सामान के बहिष्कार पर जी न्यूज की मुहिम को देश का भारी समर्थन। 85 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम से जुड़िए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक की तबियत ठीक है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद से ही दोनों मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, सलामती की दुआओं के लिए सभी लोगों का शुक्रिया। महानायक अमिताभ बच्चन ने कल रात ट्विटर पर लिखा, मेरे और मेरे परिवार के लिए शुभकामनाओं के लिए आप सभी का आभार। निजी तौर पर सभी लोगों को जवाब देना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार की सलामती की दुआ मांग रहे हैं देश भर के लोग। कल शाम ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर जानकारी दी। ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन घर पर सेल्फ क्वारंटीन रहेंगे। जया बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अमिताभ बच्चन के घर और ऑफिस में कुल 54 लोग काम करते हैं। इनमें से 28 लोगों का टेस्ट सैंपल लिया गया। ये सभी जलसा और जनक बंगले पर क्वारंटीन है। बाकी के 26 लोग होम क्वारंटीन रहेंगे। इन लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्द ठीक होने के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। फिल्म और सियासत से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियों ने ट्विटर पर शुभकामनाएं दी। कई शहरों में महानायक के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा और हवन कर रहे हैं प्रशंसक। ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना की। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्ट बनाया। लिखा, लाखों लोगों की दुआ आपके साथ, जल्द ठीक हो। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के परिवार में 4 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर लिखा, माँ, भाई, भाभी और भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अनुपम खेर ने वीडियो जारी कर डॉक्टरों के कामकाज की तारीफ भी की। रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। दावे के मुताबिक वैक्सीन के सभी परीक्षण सफल रहे। हालांकि विश्व स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर ये दावा सही रहा तो ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे सफल लड़ाई लड़ी है। उन्होंने महामारी और आतंकवाद के खिलाफ तन मन से लड़ने वालों को सलाम किया। गृहमंत्री गुरुग्राम में सीएपीएफ के वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। वहां उन्होंने ये बातें कही। उत्तर प्रदेश में अब हफ्ते में 5 दिन ही बाजार खुलेंगे। शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि अब प्रदेश में हर दिन 50,000 कोरोना टेस्ट किए जाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर यह फैसला लिया गया।
महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 2,54,000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 7,800 नए मामले सामने आए। कल महाराष्ट्र में 3,340 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 92,000 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 44 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के धारावी में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। कल यहां पर 5 नए मामले सामने आए। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।